नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं जब वो अपने मकान में पेंटिंग करवाते हैं, कलर करवाने के लिए सोचते हैं, तो उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। तो ऐसे ही कुछ सामान्य से सवाल इस वीडियो में हम आपको उसका उत्तर बताने वाले हैं और जानने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में अक्सर आते रहते हैं जब आप पेंट करवाने की सोचते हैं। तो 5 सवालों को इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो कौन से सवाल है और जो आपके दिमाग में आते रहते हैं, उन्हीं सवालों की बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही आता है अपने लोगों के, ज़्यादातर लोगों के मन में यही आता है जब वो पेंट करवाते हैं कि नए मकान के लिए सबसे मतलब बढ़िया कौन सा पेंट रहता है। भाई, अपना मकान एकदम नया है और उस पर अभी हमने कुछ भी नहीं करवाया है, ना तो पुट्टी करवाई है, ना कुछ POP करवाई है, ना कोई भी कलर करवाया है, मतलब एकदम फ्रेश मकान है, अभी अभी तैयार किया हुआ है, तो उस पर हमें सबसे पहले क्या करवाना चाहिए? तो इसका दोस्तों आंसर है, सबसे बढ़िया चीज़ रहती है, आप अगर नया मकान है आपका तो आपको सबसे पहले वहाँ पे पुट्टी करवानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुट्टी आप करवा सकते हैं सबसे नए मकान में। और पुट्टी करवाने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जो आपके घर के जो दीवारें हैं वो एकदम लेवल में आ जाती है, और उसके बाद में अगर आप कोई भी कलर करते हैं पुट्टी के ऊपर तो वो अच्छी फिनिशिंग देने लग जाता है, ठीक है ना? पहले पुट्टी और उसके बाद में प्राइमर ज़रूरी है। पुट्टी के ऊपर प्राइमर होगा तो आपकी जो दीवारें हैं वो और भी अच्छी लगेगी, अच्छी शाइनिंग देगी और अच्छी से चमकेगी भी, ठीक है? डायरेक्ट कभी भी अपने नए मकान में कलर मत करवाना, कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी, कितनी भी बड़ी बाल्टी हो, कितनी भी प्राइस की बाल्टी हो, डायरेक्ट कलर कभी भी मत करवाना, ठीक है ना? तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नए मकान में सबसे पहले पुट्टी ही करवानी चाहिए दीवारों पर, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्राइमर फेर लेना, ठीक है? फिर चाहिए आप कोई सा भी कलर करवाए, किसी भी मनपसंद का। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। जो दूसरा सवाल अपने मन में आता है कि कौन सी कंपनी का पेंट बेस्ट रहता है। अब मार्केट में 100 तरह की कंपनियां चलती है और TV वगैरह में भी बहुत सारे कंपनियों के ऐड चलते हैं, नेरोलैक के ऐड चलते हैं, एशियन पेंट के, बर्जर के, तो बहुत सारी कंपनियां और अलग अलग जो है उनके फ़ायदे रहते हैं कंपनियों का। तो अब कौन सी कंपनी का कलर बेस्ट रहता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि सारी कंपनियां ही बेस्ट है, सभी कंपनियों के बेस्ट पेंट आते हैं। अब आपकी जो भी मर्जी हो, आपकी जो भी कंपनी अच्छी लगती है उसी कंपनी का आप पेंट करवा लीजिए, ठीक है? हालांकि थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है कंपनियों के बीच में पेंट के अंदर, मगर ज़्यादातर लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना? तो ये आप मत मानना कि इस कंपनी का पेंट बढ़िया आता है, इसका घटिया आता है, ये सारी की सारी कंपनियाँ लगभग सेम ही मटेरियल बनाती है, सेम ही पेंट उनका रहता है, ठीक है ना? वैसे डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है इस चीज़ से कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, तुलना कर रखी है एक वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर मिल जाएगा, ज़रूर देखना वो वीडियो, ठीक है? जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि कौन सी कंपनी का बेस्ट रहता है कलर। अब तीसरा सवाल अपने मन में आता है कि जो पेंट करने के बाद हमें क्या करवाना चाहिए, मतलब पेंट तो करवा लिया, उसके ऊपर भी कुछ करवाना चाहिए या फिर वो पेंट करने के बाद अपना काम हो गया? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पेंट करने के बाद भी ये काम आपका सबसे जो है ज़रूरी वो रह जाता है, और वो काम रहता है बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ क्या काम रहता है, देखिए जो ज़्यादातर घरों के जो बाहर की तरफ डिज़ाइन होती है वो थोड़ी सैंपल टाइप की होती है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा वगैरह होता नहीं है, मतलब कोई छज्जा वगैरह नहीं होता है, तो उसके ऊपर आपको दोस्तों जो क्या कहते हैं उसको कॉपिंग और पट्टा ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर आपके सामने की जो घर की दीवार है, मेन दीवार है जो सामने वाली, तो उस पर सैंपल डिज़ाइन है उस दीवार की, तो आपको कॉपिंग या फिर पट्टा उस पर ज़रूर डार्क कलर का करवा लेना चाहिए, ताकि जो कलर है वो भी अच्छे से फिनिशिंग दे सके और अच्छा लग सके आपका जो मेन घर का लुक है, ठीक है ना? तो ये अगर आपकी सिंपल दीवार है सामने वाली तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? फिर चौथा सवाल अपने मन में ये उठता है, वो भी है मेन गेट से रिलेटेड, जो घर के अपने लोहे की खिड़की दरवाजे होते हैं उनमें हम लोग कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट पेंट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या लोहे के पेंट जो भी वगैरह होते हैं फाटक दरवाजे, तो उस पर हमें कौन सा पेंट करवाना चाहिए या फिर कैसे पेंट करना चाहिए? तो दोस्तों कई लोग मेरी तरह ये पहले नहीं जानते थे कि लोहे की जो खिड़की दरवाजे हैं उन पर प्राइमर भी होता है, ठीक है? प्राइमर केवल दीवारों पर नहीं होता है, प्राइमर जो है वो लोहे के जो गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे वगैरह होते हैं, खिड़की वगैरह, उन पर भी प्राइमर करना ज़रूरी है, उसके बाद उस पर पेंट फेरना आपको चाहिए, ठीक है? पहले प्राइमर फेरना चाहिए, लोहे की जो ग्रिल वगैरह होती है, लोहे के जो गेट होते हैं, पहले प्राइमर फेरना, फिर उस पर ऊपर आप कोई सी भी कंपनी का ऑयल पेंट फेर सकते हैं, ठीक है? आराम से वो अच्छी फिनिशिंग भी देगा और आपका जो लोहे की जो चीज़ें खिड़की वगैरह होगी, दरवाजे वगैरह, वो ज़्यादा समय तक भी चलेगी, ठीक है ना? डायरेक्ट पेंट करेंगे तो उसकी पपड़ी बन के उतर भी सकती है।
अब आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का लेते हैं, वो है कि एक नॉर्मल जो घर है अपना, मान लीजिए ज़्यादा बड़ा रू घर नहीं है ना, ज़्यादा 2-3 मंजिल है, एक मंजिल घर है जिसके अंदर 3 कमरे ले लेते हैं, एक रसोई और एक हॉल और एक तिबारा है, ठीक है ना। इतना बड़ा घर है, 3 कमरे, रसोई, हॉल और एक तिबारा, ठीक है। अब इसके अंदर अपना बजट क्या बैठता है, मतलब कितना खर्चा हो जाता है केवल पेंट पेंट कराने का, कि अपना पेंट भी बढ़िया हो, एवरेज टाइप का पेंट हो और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो दोस्तों इसके लिए आपका अगर इतना सा नॉर्मल रेंज का घर है तो आपका जो पेंटिंग का खर्च है वो लगभग लगभग 15 से लेकर 18 हज़ार रुपये तक आपका जो है बजट बैठ जाता है, मतलब इतना खर्चा आपका हो जाता है नॉर्मल मकान के अंदर। अब इससे बड़ा छोटा है तो आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आप अगर पूछना चाहते हैं डेडिकेटेड रूप से कि हमारे घर में कितना खर्चा आएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने घर की पूरी जानकारी, जैसे कितने रूम है, कितने बाई कितने का है, वो सारी डिटेल भर के कमेंट बताना, तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा कितना खर्चा आएगा। वैसे एवरेज मकान में 15 से लेकर 18 हज़ार रुपये तक का खर्चा बैठता है, ठीक है ना। इसमें पेंटर वगैरह की जो हाजिरी है, जो उनका खर्चा है, उनका वेतन है, वो अलग से है, ठीक है ना। ये केवल पेंट का खर्चा है, जो आप माल खरीदेंगे उसका खर्चा है 15 से लेकर 18 हज़ार रुपये तक। तो उम्मीद है आपको ये 5 सवालों के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई है वो समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल आपका पेंट से रिलेटेड है, कलर पुट्टी वगैरह इससे रिलेटेड है, तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं जवाब आपको पूरा देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।